ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର କୁମାର ଦିଗରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି କ୍ୟାନସର ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुए जो थी स्टेज आसे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज और फोर्थ स्टेज आस बहुत डेन्जर बोली कहते हैं तबे से कह आपण जो अच्छी लिम्फोमा लिम्फ नोड्स नोट्स कहते देह किछ किछ नोड्स अछि जोटा गंठी बोली कहते लिम्फ नोड्स रक्त कौट जा गठी कितना तो बहुत स्लो चली के आ दुई वर्ष परे चिकित्सा कले भी होता है আপনে এতে এতগুড়া টেস্ট করি সার্লে আপনি যদি চাইবে পি নাই এবে বড় অবেদার চিকিৎসা তেবে সে কে অনেক প্রকার ক্যান্সার আছে অনেক প্রকার ক্যান্সার আছে ব্লড রিলেটেড গোটে ডিজিজ অনেক लिम्फ लिम्फ नोट्स गुडाक हुए नोट्स गुड़ाक दुई प्रकार हुए हजस्किन नन हज स्किन हथ स्किन कह गए गोटे जगह ग्रोथ हो जाए कार्रोथ हो जाए कार्रोथ हो जाए ऑपरेशन करिया पड़े ऑपरेशन कला रेडिएशन दिया जाए क्योमोथेरापी दिया जाए सब स्टेज अनुसार जाए तेज मोर देह भावे किडनी ऊपर गोटे छोट मांस ग्रोथ पर देखा तो कहले बेसी बड़ा बेस नहीं किंतु ग्रोथ त या केमोथेरापिद्वारा ठिक गराइ पार त छटा केमोथेरापि लाग प्रथम तिनटा देलाप आशेस गरेको तरकार त फोर्थ फिफ्थ सिक्स दबा नभेसन रभुको नाम गौरव अक्टोबर मास एघार बार तेह्र तिनदिन केमोथेरापि आरम्भ केमोथेरापी मु लाइफ के जानी शुणु थी केमोथेरापी केमोथेरापी आगुमोरापी केमो कौन हए मानते मतलब लगुता है क्या जनता देक्ची पुरेदेमिकल कौन हबो केमती हबो ना बड़ बड़ मेसी भी देबे अनेक लोक प्रकार धारणा देखले मते खाली सालैन लगे अरे बहुत थोड़ा लगे बेले मु

फ्रिज भितर तो फ्रिज ऊपर लिखा है साइटोटॉक्सिन्स अर्थात जो कैम मेडा दिये रखिबे गोटे गोटे इंजेक्शन दाम आम 35000 किनल थर्टाइजे आपन हाथ हाथ रे खाली बिल आपन बिल नहीं पेमेंट पर से आपन बेबु पड़े से आपको डाकबे आसिक से नर्स को दियो नर्स को देले नर्स भी नहीं गोटे अलग रूम्रे तर मस्क व्वास पिंधिक्लोवस पिंधिक बहुत केयरफुली इंजेक्ट कर बाहर करेंगे आउ लोड करेंगे लोड करने भी, भी. भी पॉइजन थाए तो ये पावरफुल पॉइजन को इंजेक्शन मानने जो तो साइन भाई पुरे दिखती बहुत स्लो चलांती धीरे धीरे चला तो आगुरी दिटा पारास्टामल दे 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 या खाई पा पी दिय मझे जदी पीऊे लागु सा ताले कहिबे मुझ दीटा के आराम से जन आसिक लगुच झाड़ धीरे कितने स्पीड बढ़े कुंड कुंडिया, कुंडिया पर लगे मुंडा टिके झिम झिम कला आउ चुट्टी गुडा कुंडेला लगे चुट्टी झड़ा तापर धीरे धीरे ये गुडाक कुंडी पर लगेगा छाती कुंडला लगेगा मुझे सिस्टर मतलब एमती क्या लगुच देखा देखा देख ला बेलो ये गुड़ाक ये गुड़ाक सब फैसला सागे 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 ये सब फला तो डर को सागे डाकिले लाइन बंद करदे कह नहीं रिएक्शन हो बंद करदे आंद कला कह समय अपेक्षा गोटे इंजेक्शन दे गोटे घंटा धीरे धीरे ये गुड़ाक कमी गलत केमती लगुच ठीक लगुच आउ थे चल रल आउ थे लगुचे आउ थोड़े डक्टर आसे आउ गो इंजेक्शन देले

यहाँभित्र अनेक सुन्दर सुन्दर कथा अहिले मु सबगुडा कि खाली डिजिज रिलेटेड कथा कि प्रभु अनेक अनुग्रह कार्य जे स्टाफ भाइ जे सि आसे ड्युटी सरिगला बेले बेला राति आसि म देखा कले आउ गोटे घन्टा म पार्टी कैंपस को कु पुनी बाहि ऑटो पनि गएम्पस अस्ट क्याम्पसको आसु पिथ अटो धेरिक होटेल् कि नै

म कहि आज केत घन्टा लाग्यो कहिले नै नै आज दुई घन्टा भित्र सरिज द्वितीय दिन र सालैन दुई घन्टा भरिगला खुसी खुसी पिरिआस खाइ पिया आराम से रहिलु तृतीय दिन वि गलो तृतीय दिन पूर्ति फुर्ति लागु तृतीय दिन वि गलो आ तृतीय दिन देखा जलदि जुन डाक्टर डाक्तर भेट गरे बहुत समय विलम्बला फे चलाबुला फेला बेला रातिर बहुत एजर्सन लागतुर्थ दिन देह एकदम दुर्बल बहुत दुर्बल रु इच्छा खाक इच्छा र इच्छा गेभुत प्रकार लाग साङेसँगै प्रभु दयारु आम कम फ्लैट टिकट मिगला राति अधरु उठिछु भोर तिनटा बेला बाह्रु स ଆଠଟା ବେଳେ ବୋଧେ ଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛଅଟା ବେଳେ ଏରପୋର୍ଟ ଥିଲା ରାତି ଅଧରୁ ଶୋଇନୁ ରାତି ଆମେ ଶୋଇଲୁ ପ୍ରାୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାସ ତ ଆଜି ଆମ ଘରରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପାଠ କରିବି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ପନ୍ଦର ପର୍ବ ତାର ଏକାବନ ପଦରୁ ଅଠାବନ ପଦ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଢ଼ କଥା କହୁଅଛି ଆମେ ଏ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୂଳୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା କାରଣ ତୂରି ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ତେପନ କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଅତାରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ପଞ୍ଚାବନ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼ ଛପନ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ ଅପାପର ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଲେଖାଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର